फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है सरफुद्दीन भैया। भैया लखनऊ के रहने वाले हैं। भैया को फिशुला इन एनो डायग्नोस हुआ था, इसके साथ फिशर भी था और हेमराइड भी था। भैया लगभग एक महीना में लगभग पूर्ण रूप से ठीक है, ना तो इनको अब पस आता है, ना इनको जलन हो रही है, ना उसमें कोई ब्लीडिंग हो रही है। आज हम आपको ये बताएंगे कि चाहे मल द्वार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो पाइल्स हो या फिशर हो या फिशुला हो, इसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सही इलाज किया जाए तो ये पूर्ण रूप से ठीक भी हो सकता है। तो हम पहले भैया के बारे में समझेंगे। भैया को फिशुला इन्होंने हुआ था और 8 नवंबर 2024 को इनका छारसूत पहली बार किया गया था और आज जो है 29 नवंबर 2024 है और भैया पूर्ण रूप से लगभग ठीक है। अब इनको कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो इनको, क्यों सर अभी कोई दिक्कत है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत है सब, नहीं कुछ भी नहीं हमको, हमको तो आराम। पहले क्या दिक्कत थी? पहले हमें दिक्कत यह थी कि लेटरिन तो नहीं होती थी, बहुत टाइट होती थी। हाँ, उसके बाद पस कुछ बहने लगा था तो फिर हम यहाँ आए तो हमको डर लग रहा था घर में पहले कि जो ऑपरेशन होगा, काटपीट होगी, तो हम घबराते थे। फिर हमारे लड़के ने हमको जोर दिया, वो लेके आए हमको फिर यहाँ पे, फिर पिस हॉस्पिटल में। तो हम यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन कराया अपने, पहले तो हम MIR की जांच अपने कराई है और ब्लड चेक हुई है इनकी। MRI फिशुलोग्राम रिपोर्ट हुआ है, उसमें ग्रेड 2 फिशुला डायग्नोस हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि, अच्छा ये बताइए, जब से आपका छारसूत से ट्रीटमेंट हुआ है जी, आपको कभी एको दिन दर्द हुआ? नहीं सर, लेटरिन जाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हमको भी, और लेटरिन भी हमारी हो रही सही से। हाँ, और जैसे में कोई में तकलीफ नहीं होती। हाँ, है और अभी कोई पस उसाता है उसमें से? अब नहीं आता कोई ब्लड, कुछ नहीं। दर्द? दर्द भी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र लगभग 58-60 हो रही है। लगभग ये 58-60 मतलब 60 साल के हैं और छार सूत्र में इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि ये अपना। अच्छा, एक को दिन आपको मतलब जैसे कभी पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़ा? नहीं, कभी एक को दिन ऐसा हुआ कि आपको मतलब आराम करना पड़ा, बेड पे पड़े रहे कि मतलब दर्द हो रहा तो चले? दो तीन घंटे रुके थे। हाँ, शाम को चले गए थे, फिर डॉक्टर साहब ने छुट्टी दी, हम चले गए। छार सूत बांधने के बाद लगभग 3 घंटे बाद ये चले गए। तो आज हम आपको मतलब बताने की कोशिश करेंगे कि पाइल्स हो या फिशर हो या फिशुला हो, मल द्वार की कोई भी समस्या हो, बस अगर हम उसका सही से केयर करते हैं, यानी आफ्टर ऑपरेशन या ऑपरेशन के बाद अगर हम उसका सही से देख रेख करते हैं, तो आप विश्वास करिए, ना तो आपको जलन होगा, ना दर्द होगा, ना ज्यादा पस आएगा, ना तो आपको दोबारा होने की संभावना होगी। तो पहले तो हम समझते हैं कि हम लोग को मल द्वार की समस्या बनती कैसे है और इसका मतलब अगर हमें हो गया है तो हम इसको कंट्रोल कैसे करें। देखिए, मल द्वार की समस्या में जैसे पाइल्स है, स्पेशली अगर पाइल्स और फिशर की बात करें, तो उसका जो सबसे मुख्य कारण माना गया है वो है मल की कठोरता। यानी जब लैटिन हमें कठोर होती है, जब मल का पहला हिस्सा सूखा हुआ हमारे शरीर से आता है, या कई बार ऐसा होता है कि मल इतना ज्यादा मतलब कड़क, यानी उसमें मतलब हार्ड हो गया है कि हमारे गुदा मार्ग से पास ही नहीं हो रहा है, जब हम मल द्वार से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो सूखे हुए मल की वजह से, जो हार्ड यानी कॉन्स्टिपेटेड मल की वजह से हमारे गुदा मार्ग पे चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से या तो उसमें सूजन आएगी, सूजन यानी उसमें पाइल्स बनेगी, या तो उसमें कट लग जाएगा, जिसको हम फिशर कहते हैं। अगर हम मल के पहले हिस्से को अगर हम शॉर्ट कर दें, तो आप विश्वास करिए कि पाइल्स और फिशर की समस्या में बहुत जल्दी आराम मिलता है। भैया का ना तो पाइल्स को ऑपरेट किया गया है, ना फिशर को ऑपरेट किया गया है, केवल फिशुला ऑपरेट किया गया है और पाइल्स के जो मस्से थे उसमें भी बहुत राहत है, फिशर इनका पूरा कंप्लीट हील हो गया है ऐसे ही बिना किसी ऑपरेशन के। तो हम आज समझते हैं कि कैसे इनको हम लोगों ने पूर्ण रूप से इनको इस बीमारी से निजात दिलाई। तो जैसे ये हमारा एनल कैनाल है, जैसे ये हमारी एनल कैनाल है, आप देख सकते हैं ये, इसको हम बोलते हैं रेक्टम, इसको बोलते हैं रेक्टम और इसको बोलते हैं एनल कैनाल। इस हिस्सा को बोलते हैं, ये हिस्सा आपका रेक्टम हो गया और ये हिस्सा आपका एनल कैनाल हो गया। तो एनल कैनाल में एक इंटरनल हेमोराइड होता है और एक होता है एक्सटर्नल हेमोराइड। जो इंटरनल हेमोराइड होता है वो हमारी डेंटेड लाइन के ऊपर होता है और जो एक्सटर्नल हेमोराइड होता है वो डेंटेड लाइन के नीचे होता है। मान लेते हैं कि हमें कभी स्टूल बहुत हार्ड हो गया, ये हमारा मान लेते हैं ये स्टूल था, जब हम मल त्याग के लिए गए तो देखा कि हमारा जो मल का पहला हिस्सा था बहुत हार्ड हो गया, बहुत ज़्यादा कठोर हो गया या बहुत ज़्यादा सूख गया। तो जब ये गुदा मार्ग से बाहर की तरफ आता है तो इसकी वजह से हमारे गुदा मार्ग पे यहाँ पे चोट लग जाती, या तो यहाँ चोट लगेगी या तो यहाँ चोट लग के यहाँ पे फिशर हो जाएगा। तो चोट लगने की वजह से पाइल्स या फिशर की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम एक काम कर लें, सुबह लैट्रिन जाने से पहले आपको क्या करना है, ऐसे सिरिंज में, ऐसे ये एक कैथेटर होता है, एक सिरिंज होती है, जैसे हम लोग स्पेशली जो यूज करते हैं वो पाइलोवांस ऑयल यूज करते हैं, क्यों सर ये यूज करते हैं? ये यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सुबह लैट्रिन जाने से पहले इसको इसमें सिरिंज में रख के ऐसे गुदा मार्ग में इसको पुश कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम इसको गुदा मार्ग में पुश करते हैं तो जब ये ऑयल होता है, चूंकि ऑयल इतना स्पीड से आगे बढ़ता है कि ये गुदा मार्ग के अंदर जाकर
मल का जो पहला हिस्सा होता है उसको भिगो देता है, पहला यानी मल जो सूखा हुआ मल था अगर वो सॉफ्ट हो जाएगा तो मल हमारे गुदा मार्ग से आसानी से निकल जाएगा। जब आसानी से निकल जाएगा तो वहां पे ना तो दर्द होगा, ना जलन होगा, ना ब्लीडिंग होने की संभावना कम हो जाएगी, पहला। दूसरा, जो मल हमारा होता है वो हमारे गुदा मार्ग में से लगभग 4 सेंटीमीटर अंदर यानी रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन, अगर आप बड़ी आंत के बारे में जानते हैं तो आप जान लीजिए कि हमारा जो बड़ी आंत का जो सबसे अंतिम भाग होता है वो होता है एनल कैनाल, एनल कैनाल के ऊपर रेक्टम, रेक्टम के ऊपर सिग्मॉइड कोलन के ऊपर पूरा कोलन होता है। तो सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम में हमारा मल आके स्टोर हो जाता है। जब हम सुबह मल तय के लिए जाते हैं तो एनल कैनाल के अंदर जो एक एनोरेक्टर रिंग होती है वो ओपन होती है, तब हमारा मल हमारे शरीर से बाहर पास होता है। अगर चूंकि इतना अंदर होता है कि अगर हम उसमें कोई क्रीम लगाने की कोशिश करेंगे तो क्रीम, आप जानते हैं कि क्रीम कहां पे लगा पाएंगे, आप केवल एनल कैनाल तक पहुंचा पाएंगे, रेक्टम तक क्रीम नहीं लगा सकते। अगर फिंगर से कोई दवा लगाएंगे तो केवल गुदा मार्ग के माउथ पे लगा पाएंगे, अंदर नहीं डाल पाएंगे। इससे क्या फायदा होता है कि तेल जो होता है वो लैट्रिन के रास्ते में सबसे अंदर की तरफ पहुंच जाता है, और जब अंदर पहुंच जाता है तो ये एरिया पूरा लुब्रिकेट रहता है, मल आसानी से हमारे शरीर से फिसल के बाहर निकल जाता है और हमें चोट नहीं लगती। जब चोट नहीं लगती तो पाइल्स फिशर या फिशुला में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसमें हमें बहुत राहत मिलती है। और भैया एग्जांपल है, एक महीने के अंदर भैया का फिशुला तो ठीक हुआ, फिशर भी पूरा ठीक हो गया और पाइल्स के जो मसले जो बड़े बड़े थे वो बहुत सूख के बहुत छोटे छोटे हो गए। क्यों भैया ऐसा है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं रहता उनको, और हम परहेज भी आपका बताया हुआ परहेज करते हैं, परहेज में कोई लापरवाही नहीं। खाने में क्या क्या खाते हैं? सिर्फ आपने जो मखाने और किशमिश उसमें लिखी थी वो खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं और तुरई खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, इसके अलावा कुछ खाते हैं, दलिया खाते हैं, फ्रूट्स में खाने, फल फ्रूट में सब सेब है, केले है, अनास है। जो डाइट, अब क्या होता है कि मल का पहला हिस्सा हम इससे भिगो सकते हैं, एक डाइट हम लोग बताते हैं और भैया भी वही फॉलो करते हैं और हमारे जितने भी पेशेंट होते हैं लगभग वही फॉलो कराने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर कोई और बीमारी साथ में नहीं चल रही, जैसे कार्डियक पेशेंट होगा तो उसका डाइट थोड़ा चेंज हो जाएगा, किडनी के पेशेंट होंगे तो उनमें थोड़ा डाइट चेंज कर देते हैं, बीपी का पेशेंट होगा तो उसमें थोड़ा डाइट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा डाइट का प्लान होता है वही डाइट प्लान कराते हैं। आपने देखिए सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना ये ध्यान रखें, नॉनवेज और पनीर नहीं खाना। नॉनवेज पनीर क्या होता है, ये प्योर प्रोटीन डाइट होते हैं। प्योर प्रोटीन डाइट से हमने देखा है कि जब हम मल तय कर जाते हैं तो मल का जो पहला हिस्सा होता है वो कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से लैट्रिन रास्ते में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अमरूद नहीं खिलाते। अकॉर्डिंग टू हम जैसे आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में अमरूद को पारावत कहा गया, पारावत अग्नि को कमजोर करता है, या इसका जो वर्णन आया आयुर्वेद में वो भस्मक रोग में आया। भस्मक यानी जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में जब हमारी अग्नि बहुत तेज होती है तो अमरूद खिलाते हैं ताकि अग्नि कम हो जाए तो हमारी जो अग्नि तेज थी उसकी वजह से जो बार बार भूख लग रही थी वो कम हो जाए। तो अब क्या है, अमरूद क्या करता है, अग्नि को कमजोर करता है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि अर्श और ये जो फिशर होता है, परिकर्तिका जिसको बोलते हैं, इसका मुख्य कारण होता है शरीर में मंदाग्नि यानी अग्नि का कमजोर होना, यानी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको उसका कम होना। तो अमरूद खाने से एक तो अग्नि कमजोर होती है, अग्नि कमजोर होगी तो आयुर्वेद के हिसाब से हमें पाइल से फिशर बनेगा। दूसरा, आप कभी अमरूद खा के देखिए तो अमरूद जिस दिन खाते हैं तो मल की मात्रा बढ़ जाती है, ज्यादा मात्रा हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, मलद्वार पे लगी है चोट, वहां पे और चोट बढ़ेगी, पाइल्स ऑफ फिशर की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे अगर हमें मुंह में छाले पड़े हों, माउथ में छाला पड़ा है तो अमरूद हम नहीं चबा पाएंगे, पहला। दूसरा, जो अमरूद के दाने होते हैं वो कोई भी पचा नहीं सकता, जब वो मल के साथ हमारे गुदा मार्ग से बाहर आ रहा होगा तो गुदा मार्ग पे वो ठोकर मारेगा तो पाइल्स और फिशर की समस्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, और फिशुला के इंटरनल ओपनिंग में अगर वो घुस गया तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कॉज हो जाएगा। तो ये बाकी फलों में सेब, संतरा, केला, जैसे इस समय संतरा आ रहा है, जैसे सिंघाड़ा आ रहा है, ये जो पानी वाले फल होते हैं उसका ज्यादा सेवन करें। खीरा है, मूली है, सलाद के रूप में, गाजर है, सलाद के रूप में ले सकते हैं, जैसे गन्ना, मौसम्बी, अनार, अनानास का जूस पी सकते हैं। जूस से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बस आपको अगर डायबिटीज है तो मीठे वाले जूस नहीं लेने हैं। अगर कार्डियक पेशेंट है तो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर, जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने जो आपको जूस मना किया वो ना लेके आप जैसे ग्रीन वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं। किडनी के पेशेंट में भी कुछ जूस मतलब अवॉइड किए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप जूस को, अगर आप हेल्दी हैं तो जूस पीजिए, आपका पेट बहुत स्वस्थ रहेगा। जैसे मखाना है, किशमिश है, अंजीर है, इसको भिगो के खाने से पेट में बहुत सॉफ्टनेस रहती है, मल बहुत आसानी से पास हो जाता है। और जो भी घर में खाना बने उसमें ज्यादा मिर्च और मसाला, स्पेशली हम लाल मिर्च और काली मिर्च की बात करते हैं, तो उससे वजह से मैंने देखा है कि मलद्वार पे हल्का सा बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाता है। बाकी अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो कोशिश करूंगा मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। धन्यवाद।